हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुकन्या और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज मैं लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली एक मिठाई की रेसिपी, जिसे रसभरी कहा जाता है। यह जितना सुंदर देखने में लगता है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी खाने में लगता है। तो इस रसभरी की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी बनाते हैं इस रसभरी की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, रसभरी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है एक पैन, और ये पैन हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी जो है वो मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। आप कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। और इसे हमें जो है लो फ्लेम पे रोस्ट करना है 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करते रहे, इसका कलर चेंज हमें नहीं होने देना है। इसे बस हमें इतना रोस्ट करना है कि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो इसे जो है मैंने 5 से 7 मिनट के लिए लगभग भून लिया है और इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप सूजी मैंने लिया है, तो इसके लिए मैं 1 कप दूध का यूज कर रही हूँ। तो धीरे धीरे हमें दूध डालना है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होने लगी है। तो इसे हमें एकदम थिक कर लेना है और एक डो के फॉर्म में ले आना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप ये एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। तो इससे ज्यादा हमें इसे अब नहीं पकाना है। तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और जब तक ये हमारा थोड़ा ठंडा हो जाता है तब तक हम जो है इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी, और इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। तो चीनी और पानी दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर जो है मैं डाल देती हूँ कुछ इलायची, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 पिंच फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो रसभरी बनेगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें ऐसी चाशनी बनानी है जो थोड़ी चिपचिपी हो, थोड़ी स्टिकी हो। तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, हमारी चाशनी जो है तैयार हो गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जो है हल्का गुनगुना हो गया है, हल्का गर्म है, तो इतना ही गर्म जो है इसे हमें रखना है। मसल मसल के जो इसे चिकना करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है चिकना कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, इससे जो है रसभरी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहां पर मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची, और 1/4 बेकिंग सोडा, और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है फिर से। यहां पर भी मैं ऐड कर रही हूं 1 चम्मच दूध, ताकि हमारा डो जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने जो है एकदम सॉफ्ट डो जो है तैयार कर लिया है। अगर आपका डो जो थोड़ा हार्ड आपको लग रहा है तो आप उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर वो थोड़ा गीला आपको लग रहा है तो उसमें आप कॉर्नफ्लावर या फिर आरारोट फ्लावर या फिर जो है मैदा डाल करके उस डो को ठीक कर सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स लेंगे इस तरीके से, आपको जितने बड़े छोटे साइज के बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लेना है और इसे जो है हमें अच्छे से गोल करना है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें इसे सर्किल करना है और इसे दबा देना है, फ्लैट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सभी को इसी तरीके से बना लिया है, और अब इसे फ्राई करेंगे। तो चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स फ्राई करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल, और ये ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें फ्राई करेंगे। जो है हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और उसी में हमें इसे फ्राई करना है। तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके सारे रसभरी को डालेंगे, और आपको कम कम ही डालना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। जब तक वो हमारा उधर फ्राई होता है, इधर जो है मैं ऐसे शुगर सिरप में डाल देती हूँ। हमें जो है हल्का गर्म शुगर सिरप को रखना है। यहाँ पर इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर ये डाल दें और इसे हमें लगभग जो है 5 से 7 मिनट तक के लिए रखना है। अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे तो ये टूटने लगेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे भी जो है पलट लिया है, ये भी जो है हमारा लगभग तैयार हो चुका है, हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। तो इसी तरीके से आपको इसे जो है दोनों तरफ फ्राई करना है। तो ये रसभरी हमारी जो है अच्छे से सारा रस सोख चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा देर अगर हम इसे रखेंगे तो ये जो है टूटने लगेगी। तो इसे आप 5 से 7 मिनट ही रखें। अब मैं ये सारे रसबेरी सेकेंड फेज बाद इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे रसबेरी को जो है प्लेट में निकाल लिया है और इसे जो मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर दीजिए, इसे देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर जो है मैंने रसभरी को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, तो इस तरीके से आप गार्निश करेंगे तो रसभरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी और जितनी सुंदर ये देखने में आपको लग रही है उससे भी ज्यादा ये डिलीशियस खाने में लगती है। तो इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट जूसी एंड टेस्टी लग रहा है हमारा रसभरी। तो बहुत ही ईजी भी है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। तो इस रसभरी की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मैं आपको एक रसभरी को काट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये हमारा कितना सॉफ्ट एंड जूसी बना है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में इस रसभरी को बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बनाने में। इसे आप भी अपने घर में इस रसभरी की रेसिपी को बना सकते हैं, तो इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रसभरी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।